नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक अलंकार। तो आपने देखा, हमने लास्ट सेशन में यहाँ पर अलंकारों के बारे में काफी सारी चीजें जानी, जिसमें से हमने सबसे पहले यहाँ पर जाना कि अलंकार होता क्या है, अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है, और उसके बाद हमने यहाँ पर जाना कि अलंकारों का उपयोग हम क्यों करते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा कि अलंकारों का उपयोग हम क्या करते हैं, सौंदर्य वृद्धि हेतु करते हैं। यानी कि जिस प्रकार कोई भी मनुष्य अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए या नारी अपने सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए क्या करती है, विभिन्न प्रकार के आभूषणों को धारण करती है, इसी प्रकार से भाषा को, काव्य को सुंदर बनाने के लिए उसमें चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। वो चमत्कार जो है शब्दों में भी हो सकता है, शब्द के अर्थ में भी हो सकता है। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि शब्द के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं, पहला होता है आपका ध्वनि और दूसरा होता है आपका अर्थ। ध्वनि यानी कि आप शब्द का उच्चारण किस तरह से कर रहे हैं, शब्द की लयात्मकता क्या है, शब्द की एक तरह से संगीतात्मकता क्या है, शब्द की किस तरह से स्वर निकल रहा है शब्द का, तो उस आधार पर हमने उसको बताया था शब्दालंकार। और फिर हमने कहा था दूसरा पार्ट होता है अर्थ, यानी कि किसी भी शब्द का अर्थ जो है उसमें यदि चमत्कार उत्पन्न किया जाए तो वो हो जाता है अर्थात अलंकार। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अलंकार के विषय में बताया कि अलंकार होता क्या है, क्यों अलंकारों का सृजन किया गया, अर्थात क्यों अलंकारों को बनाया गया। ठीक है, तो अलंकारों को क्यों बनाया गया, सौंदर्य वृद्धि हेतु। जैसे मैंने कहा कि सुंदर तो सभी हैं और हमारा जो मनुष्य है वो सौंदर्य उपासक है, सुंदरता की उपासना करने वाला, सुंदरता को चाहने वाला। जहां पर उसको खूबसूरती दिखेगी, जहां पर उसको सुंदरता दिखेगी, जहां पर उसको साफ सफाई दिखेगी, सबसे ज्यादा मनुष्य जो है वहीं पर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ठीक है ना, तो सौंदर्य उपासक, सुंदरता को एक तरह से उपासना करने वाला, सुंदरता को चाहने वाला। तो इसी कारण हुई अलंकारों की एक तरह से सृजन, अलंकारों का सृजन इसीलिए हुआ कि जो खूबसूरती है पहले से उसको और बढ़ाया जाए, और ज्यादा सुंदर बनाया जाए, तो इसीलिए अलंकारों का सृजन हुआ। फिर यहाँ पर देखिए परिभाषा मैंने आपको बताई थी अलंकार की, कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो यहां पर हमने उसके बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि अलंकारों के दो भेद होते हैं, और दोनों भेदों के बारे में भी मैंने आपको बताया कि क्या होता है आपका शब्दालंकार और क्या होता है आपका अर्थालंकार। तो सबसे पहला टॉपिक हमने जो शुरू किया था लास्ट सेशन में वो था हमारा शब्दालंकार। तो देखिए, हमने यहाँ पर शब्दालंकार के बारे में जाना था, यानी कि जिस अलंकार में शब्दों के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न होता है, जिस अलंकार में शब्दों के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है, शब्दों के कारण कोई चमत्कार होता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। और जब अगर हम उन शब्दों के स्थान पर किसी और समानार्थी शब्द को, देखिए लास्ट सेशन में मैंने ये भी क्लियर किया था कि क्या होते हैं समानार्थी शब्द। ठीक है, समानार्थी अर्थात समान अर्थ देने वाले, देखिए अगर हम उनके स्थान पर कोई समानार्थी शब्द रख दें तो वो चमत्कार जो है समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब है कि वहां पर शब्दों से ही चमत्कार उत्पन्न हुआ था। तो देखिए, हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में आपको, जैसे मैंने बताया था कि शब्दालंकार के मुख्य, वैसे तो बहुत सारे आपके भेद होते हैं, 5 से 6 भेद होते हैं, 6-7 भेद होते हैं, लेकिन क्योंकि क्लास 6 के लेवल का अभी हम पढ़ रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर हम मुख्य 3 अलंकारों को पढ़ेंगे। हमने कहा यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। मुख्य 3 अलंकारों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और जैसे यहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार पढ़ते हैं तो अनुप्रास अलंकार के भी कुछ भेद होते हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आगे 7th, 8th में, 9th में, 10th में हमारे पास और भी, एक तरह से क्लास 10 तक हमारे पास ये अलंकार होते हैं।
ऐसे तो क्लास 12th में भी जब आपको काव्यगत विशेषताएं बतानी होती है या किसी कविता के बारे में विशेष बताना होता है तो वहां पर आपको अलंकारों को, एक तरह से अलंकारों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इसीलिए अभी से अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे। तो लेकिन लेवल जो है अभी यह है कि हम यहाँ पर केवल 3 भेद पढ़ेंगे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार को पढ़ा था, बहुत अच्छे से समझा था और साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए थे। तो किसी को याद है हमने क्या पढ़ा था अनुप्रास अलंकार के बारे में? कोई बताएगा मुझे, लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था अनुप्रास अलंकार के बारे में? कोई बताएगा? क्योंकि जो स्कूल मुझे दिखाई दे रहे हैं वो लास्ट सेशन में भी थे हमारी क्लास में। तो अगर आपने कुछ भी, अगर आपको याद हो, क्योंकि जो हम क्लास में पढ़ते हैं अगर आप इसको थोड़ा बहुत घर पर रिवाइज करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी में वो अच्छे से बना रहता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के बारे में बताया था। आप देखिए रोज रोज अगर इसी तरह से रिपीट करते रहेंगे, रोज रोज अगर इसी तरह से एक ही चीज को पढ़ते रहेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्या पढ़ा था हमने अपने लास्ट सेशन में। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है, यानी कि जो अनुप्रास शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द? अनु तथा प्रास, अनु तथा प्रास। अब यहाँ पर देखिए कई बार होता है ना कि हमें रटना होता है कि शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, पहला अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ठीक है। तो रटना नहीं है, क्योंकि रटेंगे तो भूल जाएंगे, समझना है। अनुप्रास अलंकार यानी कि शब्द अलंकार क्या होता है? जहां काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है और यदि उन शब्दों के स्थान पर हम किसी और समानार्थी शब्द को रख दें तो वो चमत्कार समाप्त हो जाता है, तो वहां पर शब्द अलंकार होता है। और शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास जो अलंकार है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु जिसका अर्थ होता है बार बार, और प्रास जिसका अर्थ होता है वर्ण। वर्ण क्या होता है ये आपको पता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हमारी हिंदी भाषा में जो टोटल वर्णमाला है उसमें टोटल 44 वर्ण है, 44 वर्ण है, जिसमें से 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है और व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ण के बारे में हमने शुरुआत में ही पढ़ा था जब हमने अपने सेशन की शुरुआत की थी। तो वर्ण का अर्थ आपको पता है कि स्वर और व्यंजन, अ आ ई ई उ ऊ और व्यंजन। यहाँ पर जो वर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वर युक्त होते हैं। स्वर युक्त अर्थात जैसे क, ख, ग, घ, आप देख रहे हैं स्वर किसका आ रहा है? अ, ठीक है, का, आ, कि, इह, कु, कु। तो सारे स्वर क्या आ रहे हैं आपके? स्वरों वाले, जैसे अ आ इ ई उ ऊ ना, क्योंकि जो भी व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, बार बार होती है एक वर्ण की आवृत्ति। अनु अर्थात बार बार और प्रास अर्थात वर्ण, अर्थात एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति, और देखिए ये नहीं देखा जाता कि स्वर समान है या नहीं। क्या बताया था मैंने? चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल चंचल किरणें। देखिए च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, चारु चंद्र चंचल, चारु चंद्र की चंचल
किरणें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, ठीक है। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स भी मैंने बताए थे, अब एक एग्जांपल आप बताएंगे तभी मुझे समझ आएगा कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई है। देखिए लास्ट सेशन में जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, मुझे लगता है 4 से 5 एग्जांपल मैंने आपको दिए थे अनुप्रास अलंकार के, और साथ ही मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आप एक बार घर से अच्छे से इस अलंकार को पढ़कर आएंगे और इससे संबंधित जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो आप पढ़कर आएंगे। तो आपको मैंने कहा था कि जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में कोई भी कविता है आपकी, उससे आप रिलेटेड एग्जांपल यहाँ पर करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, सेम चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है, च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। तो क्या कुछ समझ आया आपको लास्ट सेशन में कि किस तरह से आपको यहाँ पर समझ आया कि कौन से एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको बताए थे। कुछ एग्जाम्पल्स यदि आपको याद हो तो वो भी आप बता सकते हैं, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। कोई भी बच्चा फटाफट हैंड रेज करके बताएगा अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल। देखिए अगर हम आगे जाकर यमक अलंकार पढ़ लें या फ्लेश अलंकार पढ़ लें, रूपक अलंकार पढ़ लें, उपमा अलंकार पढ़ लें, उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ लें, लेकिन हम शुरुआत वाला भूल जाएं, यानी कि अनुप्रास अलंकार को भूल जाएं, तो फिर हमारे इस तरह से पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अगर भले ही आप एक एक दो दो एग्जाम्पल भी याद रखते हैं तो भी आपको आगे तक याद रहेगा कि क्या होता है अनुप्रास अलंकार, क्या होता है यमक अलंकार, क्या होता है श्लेष अलंकार। चारु चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, क्या बताया था एग्जाम्पल। रघुपति राघव राजा राम, ये सारे एग्जाम्पल लास्ट सेशन में लिखवाए थे, और कुछ एग्जाम्पल मैंने आप लोगों से कहा था कि आप खुद लिखेंगे, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, रघुपति राघव राजा राम, क्या कहा हमने, स्वर की समानता के बिना भी। स्वर समान नहीं है, पहला शब्द है रघुपति, दूसरा शब्द है राघव, तीसरा शब्द है राजा, चौथा शब्द है राम। स्वर की समानता कहीं पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। कौन सा वर्ण है वो, र वर्ण की आवृत्ति, रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो इस तरह से एक और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, मुदित मही पति मंदिर आए सेवक सुमंत बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, म वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, सेवक सुमंत बुलाए, सेवक सुमंत, स वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। तो जहां पर भी वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हैं, और जो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप कुछ तो लिख कर लाएंगे, तो जिन बच्चों ने लिखा है अच्छी बात है। और उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था यमक अलंकार, यमक अलंकार में भी यहाँ पर बहुत ही इजी है समझने के लिए, इसमें भी कुछ भी आपने रटना नहीं है, आपने केवल और केवल समझना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अनुप्रास अलंकार में आप क्या समझते हैं, अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ण, अर्थात एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। तो अनुप्रास में क्या, यमक में क्या होता है कि एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, यानी कि एक शब्द जो होता है वो एक से अधिक बार प्रयोग होता है, और उसका जो है अर्थ दोनों टाइम अलग अलग होता है, ठीक है। उसका अर्थ जो है दोनों टाइम अलग अलग होता है, एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है और उसका अर्थ दोनों टाइम अलग अलग होता है, उसे कहते हैं यमक, यानी कि यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हो रही है। वर्ण के बाद
यमक अलंकार यानी कि शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार। ठीक है, तो क्या बताया था एग्जाम्पल, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए। कौन बताएगा इसका मीनिंग मुझे, क्या बताया था मैंने दोनों शब्दों का अर्थ? कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए। दोनों शब्द का मीनिंग कौन बताएगा? दो शब्द हैं यहाँ पर कनक कनक, और दोनों का मीनिंग अलग अलग है। कनक कनक ते सौगुनी, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कनक कनक ते सौगुनी, ठीक है, कनक कनक सोना धतूरा, क्या मीनिंग बताया था? सोना और धतूरा, कनक कनक ते सौगुनी, एक जो कनक है वो दूसरे से 100 गुना ज्यादा है, यानी कि एक को तो केवल खाने से इंसान बोराता है, यानी कि वो खा लेता है तब वो बोरा जाता है। देखिए जब खा लेंगे, जब कुछ गलत सलत खा लेंगे, कुछ उल्टा पुल्टा खा लेंगे तो क्या हो जाता है, एक तरह से कई बार उल्टी आने लगती है, कई बार एक तरह से बहुत सारी चीजें, लेकिन जब हम धतूरा खा लेते हैं तो क्या हो जाता है, बोरा जाता है इंसान, उसको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, इसी तरह से एक को तो खाकर इंसान बोराता है, लेकिन एक को तो पाकर ही इंसान बोरा जाता है। दूसरे का अर्थ है सोना, ठीक है, सोना अर्थात उसमें नशा जो है, मादकता जो है, धतूरे से 100 गुना ज्यादा है, यानी कि उसको केवल प्राप्त करने से इंसान जो है अपने उसके नशे में इतना चूर हो जाता है कि उसको अच्छा बुरा छोटा बड़ा, ठीक है, सही गलत कुछ भी समझ नहीं आता है। ठीक है, इसमें एक और एग्जाम्पल बताया था, काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, और दोनों शब्दों का जो मीनिंग है वो अलग अलग है। घटा का अर्थ मैंने आपको बताया था कि वर्षा ऋतु में जो आपको एक तरह से मेघमाला जो आसमान में छाई हुई रहती है, बादल जो आसमान में छाए हुए रहते हैं, उन्हें घटा कहते हैं, और दूसरे का अर्थ मैंने आपको बताया था घटा यानी कम होना। ठीक है, तो ये यमक अलंकार का एग्जाम्पल था। दूसरा हमने यहाँ पर आपको बताया था श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था कि श्लेष का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, जुड़ा हुआ, ठीक है, या चिपका हुआ या मिला हुआ, यानी कि जहां पर एक ही शब्द पर एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए होते हैं उसे कहते हैं श्लेष। श्लेष अलंकार यानी कि जहां पर एक ही शब्द पर दो एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिया था, रहिमन जे गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरा होए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बारे और बढ़े दो शब्दों के बारे में बताया था आपको, बारे और बढ़े, ठीक है, इसके बारे में बताया था, रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर जो पानी शब्द है उसको उसके तीन अर्थ बताए गए हैं, और यहाँ पर जो है अलग अलग एग्जाम्पल मैंने इस तरह से आपको दिया था। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला दिया था कि रहिमन जे गति दीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारे करे, तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको, बारे का अर्थ जलाना, बारे का अर्थ क्या बताया था मैंने आपको, जलाना, और दूसरा अर्थ क्या था, जन्म लेना। ठीक है, और बढ़े का अर्थ क्या बताया था, एक बुझना और बड़ा होना। ठीक है, तो यहां पर शब्द एक है लेकिन उस पर एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए हैं, तो इसी कारण आप देख रहे हैं
कि जो तीनों अलंकार हमने यहाँ पर पढ़े, ठीक है, उन तीनों में क्या हो रहा है, शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, शब्दों की अदला बदली हो रही है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। ठीक है, स्वर की समानता नहीं है फिर भी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार, जहां शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है लेकिन दोनों बार उसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। यमक अलंकार, जहां पर एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार। समझ आया सभी को? हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर अपना पहला पार्ट यानी कि जो हमारा शब्द अलंकार है वो हमने अच्छे से क्लियर कर लिया, और हमने देखा कि यहाँ पर जो है शब्दों के कारण जो है भाषा में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, काव्य की शोभा बढ़ाई गई है। तो इस तरह से अब हम बढ़ेंगे आगे और अपने अगले अलंकार की तरफ, जो कि है हमारा अर्था अलंकार। देखिए, अर्था अलंकार क्या होता है, ठीक है, अर्था अलंकार में जैसे मैंने शब्द अलंकार में आपको बताया जहां पर काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। तो जहां पर काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है या काव्य में उसके अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर अर्था अलंकार होता है। और मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन कोई भी नोट नहीं कर रहा है। मुझे लगता है या तो आप लोगों को पहले से बहुत ज्यादा आता है और या तो आप पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, आप क्लास में केवल अपना 45 मिनट जो है वेस्ट कर रहे हैं। किसी भी बच्चे के हाथ में ना कोई पेंसिल है ना रफ नोटबुक है, क्योंकि देखिए क्लास अगर चल रही है तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, और अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपके काम की चीज है, वो आपको आगे काम आएगी और आगे फ्यूचर में आप उसको एक तरह से पढ़ाई में आपके हेल्प करेगी। लेकिन कोई भी ना तो सुनने को तैयार है, ना ही नोट कर रहा है और ना ही कोई रिस्पॉन्स है। जितने भी बच्चे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, या तो मुझे लगता है काफी सब कुछ आता है, मुझे लगता है आपको जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें आपको मुझे लगता है बहुत ज्यादा आती हैं, काफी मुझे लगता है काफी अच्छे से आती हैं, तभी आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही नोट करने में, ना ही सुनने में, ना ही रिस्पॉन्स करने में। तो ये बहुत गलत बात है। आप अगर यहाँ पर बैठे हैं तो आप उसका यूज कीजिए, उस समय को उपयोग में लाइए, कुछ ना कुछ सीखिए, कुछ ना कुछ समझिए। एटलीस्ट अगर आप 40 मिनट पढ़ रहे हैं तो उसका 10 मिनट तो आप समझिए ध्यान से, ठीक है ना। तो दूसरा है हमारा अर्था अलंकार। तो अर्था अलंकार जहां पर मैंने आपको बताया कि काव्य में जहां पर शब्द के अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है, वहां अर्था अलंकार होता है। अब अर्थ अलंकार जो है, क्योंकि जो अर्थ अलंकार होता है, देखिए शब्द के तो बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, तो कई यहाँ पर जो वैज्ञानिक कई जो विद्वान हैं उन्होंने इस अर्थ अलंकार के 125 भेद तक बताए हैं, किसी ने 27 भेद बताए हैं, किसी ने आपके 23 भेद बताए हैं, किसी ने 25 भेद बताए हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल जो आपके मुख्य 6 भेद हैं उनको हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। आप यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे जो हम यहाँ पर अर्थालंकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो केवल मुख्य 6 भेदों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें है हमारा पहला रूप उपमा अलंकार, फिर है हमारा रूपक अलंकार, दूसरा है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा है हमारा यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार, और उसके बाद आता है हमारा मानवीयकरण अलंकार, और इसको भी हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, यानी कि हमारा 6ठा भेद हो जाएगा। बाकी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, जो आपके आपके लिए जरूरी है केवल उन्हीं चीजों को हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास के लेवल के हिसाब से, जैसे मैंने कहा आगे भी बहुत सारे भेद हैं तो उनको भी हम आगे अपनी 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम मुख्य रूप से यहाँ पर 6 या 7 भेदों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा उपमा अलंकार। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला भेद अर्थ के आधार पर उपमा अलंकार। अब देखिए, आपने तो पीछे वाला ही मुझे क्लियर नहीं किया कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया कि नहीं आया, ठीक है,
फिर भी हम यहाँ पर आगे पढ़ रहे हैं, अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं और रिवाइज करेंगे घर पर, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, हमने कहा उपमा अलंकार अर्थ के आधार पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, शब्द के अर्थ के आधार पर हमें चमत्कार उत्पन्न होता है। तो उसी के आधार पर हम यहाँ पर देखेंगे कि जहां दो वस्तुओं में अंतर रहते हुए भी, ध्यान से समझिएगा कि दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन उनमें कुछ एक तरह से थोड़ा बहुत समानता दिखाई देती है। किसकी समानता? गुण की समानता या आकृति की समानता, थोड़ा बहुत भी अगर उनमें समानता दिखाई दी जाती है तो वहां पर हम कहते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। यानी कि जहां दो वस्तुओं में अंतर होते हुए भी उनकी आपस में एक दूसरी वस्तु से क्या कर दी जाती है, तुलना कर दी जाती है, ठीक है, किसी वस्तु की दूसरी विशिष्ट वस्तु के साथ। अब देखिए, एक वस्तु सामान्य है लेकिन उसकी तुलना जो है दूसरी विशिष्ट वस्तु से कर दी जाती है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा एक तरह से दी जाती है, तुलना कर दी जाती है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि कुछ इस तरह के शब्द होंगे, ठीक है, मुख चंद्रमासा सुंदर, मुख चंद्रमासा सुंदर, काजल की रेख सी, काजल की रेखा सी कतार है खजूर की, मुख चंद्रमासा सुंदर, काजल की रेख सी कतार है खजूर की। अब देखिए, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये उदाहरण है, ठीक है। हमने कहा उपमा की जाती है, उपमा दी जाती है, दूसरे से तुलना कर दी जाती है। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, मुख चंद्रमा सा सुंदर, मुख चंद्रमा सा सुंदर, मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है, कि वो किसके समान है, चंद्रमा के समान सुंदर है। क्या है, चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख चंद्रमा सा सुंदर, ठीक है। तो यहां पर मुख की तुलना चंद्रमा से कर दी जाती है, तो इसमें उपमा अलंकार है, यानी कि थोड़ा बहुत समानता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत फेयर है, सुंदर है, चमकदार है, और मुख भी बहुत सुंदर है, फेयर है, चमकदार है, इसीलिए क्या कर दिया जाता है, तुलना कर दी जाती है कि मुख चंद्रमा सा सुंदर, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है। अगला है, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, जो काजल की रेख जो है आंख में लगाई जाती है, बिल्कुल उसी प्रकार कतार है खजूर के वृक्षों की, ठीक है। तो चंद्रमा सा यानी कि उसके जैसा, काजल की रेख सी यानी कि उसके जैसी। तो जब हम क्या कर देते हैं, दो अलग अलग वस्तुएं होने के बाद भी उनकी तुलना आपस में कर देते हैं, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है। दो भिन्न वस्तुएं होने के बाद हम उनकी तुलना जो है आपस में जब कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। समझ आया, उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उपमा अलंकार जहां पर दो भिन्न वस्तुएं होने के बाद भी हम उनकी आपस में तुलना कर देते हैं, वहां पर उपमा अलंकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपमा अलंकार हमने यहाँ पर क्लियर किया, उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए, और इस तरह के कुछ एग्जांपल्स जहां पर सा सी
आदि जो शब्द हैं उनको प्रयोग किया जाता है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। और ये चीज जो है आप एक बार कुछ इस तरह के एग्जाम्पल आप देखेंगे किसमें आपकी जो काव्य खंड से रिलेटेड आपके जो चैप्टर्स हैं और उनमें जो कुछ कविताएं हैं उनसे आप यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर इस तरह की चीज आ रही है, यानी कि दो भिन्न वस्तुएं होने के बाद भी, ठीक है, वस्तुएं दो अलग अलग हैं लेकिन फिर भी उनकी आपस में तुलना कर दी जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। एक चीज क्लियर हो गई। अब आता है हमारा दूसरा रूपक अलंकार, जहां नाम से ही हमें पता चल रहा है रूपक, ठीक है, रूपक अलंकार। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर तुलना नहीं की जाती, यहां पर दोनों वस्तुओं की तुलना नहीं की जाती बल्कि उपमान का, एक तरह से उपमेय को ही उपमान कह दिया जाता है, यानी कि जिसके साथ तुलना की जा रही है, जिसके साथ उसका कंपेयर किया जा रहा है, कहा कि ये वही है, यहां पर कह दिया जाता है कि यह वही है, यानी कि यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं दिखाई पड़ता है दोनों चीजों में, उनको एक तरह से उपमेय पर ही उपमान का आरोप कर दिया जाता है, उपमेय को ही उपमान कह दिया जाता है, यानी कि दोनों का आपस में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, दोनों का आपस में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, और जो विशेष्य होता है उसी को विशेषण कह दिया जाता है, यानी कि दोनों में अंतर नहीं कर पाएंगे आप, इस तरह से यहां पर कह दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे आप एग्जांपल देखेंगे, बीती विभावरी जागरी, अब देखिए ये परिभाषा बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे कि जहां उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है, यानी कि आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि यहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से ना करके, ठीक है, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से ना करके, यानी कि यहाँ पर कंपेयर नहीं किया जाता, कोई तुलना नहीं की जाती बल्कि दूसरी वस्तु का ही रूप दे दिया जाता है, कह दिया जाता है कि ये तो वही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, पहले आप ये नोट कर लीजिए कि जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है, यानी कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़े। तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जहां पर एक वस्तु की तुलना बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में अगर कहूं तो आप कहेंगे कि जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से ना करके, ठीक है, वहां पर तुलना नहीं की जाती, वहां पर कंपेयर नहीं किया जाता बल्कि कह दिया जाता है कि यही है, ठीक है। जैसे हमने कहा, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, अंबर पनघट पर डुबो रही तारा घट उषा नागरी, चरण कमल बंधो हरि राई, चरण कमल बंधो हरि राई, चरण कमल। और आपने सुना होगा मीराबाई का भजन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस तरह के शब्द, यानी कि यहाँ पर तुलना नहीं हो रही है, यहाँ पर कंपेयर नहीं किया जा रहा है, कोई तुलना नहीं हो रही है बल्कि उपमान को ही उपमेय कह दिया जा रहा है, ठीक है, उपमेय को ही उपमान कह दिया जा रहा है। जैसे हमने कहा, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, अंबर पनघट यानी कि अंबर को, आकाश को ही पनघट बता दिया गया है, कंपेयर नहीं किया है पनघट के साथ, बता दिया गया है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में, अंबर रूपी पनघट में डुबो रही तारा घट नागरी, तारों रूपी घड़े को,
डुबो रही है उषा नागरी। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, अंबर पनघट, तारा घट, चरण कमल, राम रतन, ये जो शब्द हैं, यानी कि जो आपस में युग्म शब्द एक तरह से होते हैं, योजक शब्दों से आपस में जुड़े रहते हैं, उनको हम कहते हैं रूपक अलंकार। यानी कि जहां पर आपको इस तरह का शब्द मिलेगा कि आप उन दोनों में अंतर नहीं कर पाएंगे, उन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर आप कहेंगे कि क्या है, रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक अलंकार। फिर से देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, अर्था अलंकार के यहाँ पर छह भेद मैंने आपको बताए, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको बताया मानवीयकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है, और भी बहुत सारे अलंकार हैं, जैसे मैंने आपको बताया संदेह अलंकार, ठीक है, तो इनको भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक चीज को अच्छे से समझना है, ठीक है ना। अगर आप अनुप्रास अलंकार, जैसे अगर आप उपमा अलंकार पढ़ रहे हैं, तो पहले उपमा अलंकार को अच्छे से क्लियर करना है। उपमा, ध्यान रखिएगा, उपमा दी जाए यानी कि तुलना कर दी जाए, ठीक है, जहां पर एक वस्तु की तुलना, भले ही उन दोनों में समानता ना हो, ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर हो, फिर भी कुछ समानताओं के कारण ही उन दोनों की जब आपस में तुलना कर दी जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार में क्या होता है? रूपक अलंकार में तो फिर क्या किया जाता है कि कोई डिफरेंस दिखाया ही नहीं जाता, कोई अंतर ही नहीं दिखाया जाता, डायरेक्ट उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है, यानी कि उपमेय को उपमान ही कह दिया जाता है। जैसे कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम रतन अर्थात राम रूपी रत्न, अर्थात राम रूपी रत्न जहां पर प्राप्त होता है, ठीक है। चरण कमल, भगवान श्री हरि के चरणों को कमल कह दिया गया है, यानी कि उपमा नहीं दी है, तुलना नहीं की है, डायरेक्ट चरण कमल कह दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज जो हमारा शब्दालंकार था उसको रिवाइज किया, बहुत अच्छे से हमने समझा। जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में अच्छे से नहीं समझ आया था, उनको भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और फिर हमने अर्थालंकार के बारे में यहाँ पर पढ़ा, और साथ ही उसके दो भेदों को भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। तो घर के लिए आपका होमवर्क है कि आप इन दोनों को एक बार रिवाइज करें, और इनमें दोनों में दो दो एग्जाम्पल्स जो है अपनी पाठ्य पुस्तिका से लिख कर लाएं, और बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। कोई भी डाउट होता है तो जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।